हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज आपको सिखाते हैं हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं सीमेंट एंड सैंड की। वो कैसे निकालना है आपको? प्लास्टर, अगर आपके पास प्लास्टर को या प्लास्टर करवा रही हैं वॉल के अंदर या फिर कंक्रीट ब्लॉक के पास फेस में, तो उस कंडीशन में आपको क्या निकालना है? प्लास्टर की क्वांटिटी निकालेंगे। उसके बाद आप निकालेंगे वो क्वांटिटी निकालेंगे, सीमेंट बैग्स कितने लगेंगे, वन सैंड पॉइंट कितने फाइव एट लगेंगे। ठीक है, तो वीडियो में पूरा देखते रहिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, प्रेशर के लिए मोस्टली। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्लास्टर का। आपके पास एरिया वॉल है 100 मीटर स्क्वेयर, तो आपके पास एरिया ऑफ वॉल 100 मीटर स्क्वेयर, थिकनेस ऑफ मोर्टार 12 mm, और रेशियो आपके का ले रहे हैं 1:6। क्लियर? तो 1:6 ले रहे हैं, 1 पार्ट क्या सीमेंट और 6 पार्ट का क्या सैंड। क्लियर? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप 1, स्टेप 1 क्या कहलाता है? वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, आपको निकालना है प्लास्टर की वॉल्यूम। अगर आप प्लास्टर की वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें आपका क्या होगा, मोर्टार की वॉल्यूम निकल जाएगी। तो 100 आपको क्या मीटर स्क्वायर, ये आपके पास है एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया इंटू थिकनेस क्या हो जाएगा, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी मोर्टार की। तो 1.20 m³ उसकी क्या होगी, मोर्टार की थिकनेस, जो आपने प्लास्टर की वॉल्यूम आ गई। उसके बाद देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या कहता है, वेट मोटर आपको निकालना है। वेट मोटर, वेट मोटर क्या होता है आपके पास, 33% ऐड होता है ड्राई वॉल्यूम में, ड्राई मोटर में, क्योंकि आपका वेट मोटर आपका क्या है, जो आपका फेस वॉल पे लगता है, वो आपके फेस वॉल पे जो लगता है वो आपका क्या है, वेट मोटर। ठीक है, वेट मोटर होने के बाद भी वो लगता है आपको। वेट मोटर का निकालना है ड्राई मोटर, तो ड्राई मोटर होता है 33%, 33% वो क्या होता है, एक्सटेंड होता है। तो 1.20 है वॉल्यूम, और उसका जो 33% इसको लेते हैं, 1.20 × 33/100, तो ये आपका क्या हुआ, ऐड हो गया इस वॉल्यूम में। ठीक है, तो इस वॉल्यूम का 33% होता है 1.596। क्लियर? इसको इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई करेंगे तो प्लस कर देंगे 1.20 टोटल वॉल्यूम में, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी आपकी ड्राई वॉल्यूम। ये आपकी क्या है, आ गई ड्राई वॉल्यूम आ गई। क्लियर? उसके बाद देखते हैं 1.33, या फिर आप इस तरह से निकाल सकते हैं 1.33 आपके क्या है, ये वॉल्यूम 1 m³ के लिए निकाल लेते हैं। ये आपके क्या 33%, इसको डिवाइड बाई करते हैं 1 m³ के लिए, तो 1.33 आता है। इसको अगर गुना करते हैं 1.20 से वॉल्यूम से, तो टोटल वॉल्यूम आपकी आ जाएगी ड्राई वॉल्यूम 1.596, ये आपकी क्या आ जाएगी, ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, ये आपकी ड्राई वॉल्यूम है, जिसमें जो मिक्स है आपका सीमेंट एंड सैंड, आपका सीमेंट एंड सैंड मिक्स है ड्राई वॉल्यूम में। अब निकालना है सीमेंट की क्वांटिटी क्या होगी, सैंड की क्या होगी, इसको अलग अलग रेशियो में डिवाइड बाई कर देना है। स्टेप नंबर 3 देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट, बिकॉज आपके पास है टोटल पार्ट 6 एंड 1, तो टोटल कितने हो गए, सेवन पार्ट। और अगर आपकी वॉल्यूम आ जाएगी वन पार्ट की, सीमेंट भी उसमें मिक्स है और सैंड भी मिक्स है, अगर आपके पास वन पार्ट है तो उसको अलग अलग कर देंगे, तो सिंपल आपको निकल जाएगा। तो 1 पार्ट इक्वल टू टोटल वॉल्यूम आपके पास है, टोटल वॉल्यूम क्या आपके पास है, टोटल वॉल्यूम आपने निकाली थी 1.996, आपके पास है ड्राई वॉल्यूम। तो 1.596 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो, तो 1 + 6 = 0.228 m³। ये अब क्या आ गई आपके पास वन पार्ट की, जैसे टोकरे होती है आपका, मेजरिंग बॉक्स होता है या फिर तसला होता है जो भी, उसकी वॉल्यूम निकल आ गई ये। ठीक है, तसला तगाड़ी जो भी आपने यूज किया साइड पे, उसकी अब वॉल्यूम आ गई। ठीक है, ये आपके पास आ गया वन पार्ट का ये आपका वो आ गया है उसके अंदर। ये उस पार्ट, ये क्या था आपके पास वन पार्ट का, सॉरी, ये आपका तसला या फिर बॉक्स का मेजिन की वॉल्यूम ही आपके पास नहीं आती है, ये वॉल्यूम आती है आपके पास जो टोटल आपने मिक्स किया सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, वो सॉरी सीमेंट एंड सैंड, उन दोनों को जो मिक्स करते हैं, जो उनको वो टोटल वॉल्यूम निकालते हैं उनको मिक्स करने के बाद इतने मटेरियल में, तो उसकी जो पार्ट आएगा वन पार्ट का। तो सीमेंट क्या है आपके पास, वन पार्ट, तो अगर हम इसको 0.228 से 1 से गुना करते हैं, तो 0.228 m³ आपके पास आ जाता है वॉल्यूम सीमेंट की। अगर इसको गुना करते हैं तो वैक्स निकालने के लिए वॉल्यूम आपके पास, वॉल्यूम सीमेंट की वॉल्यूम है m³ में, और गुना करते हैं सीमेंट नंबर ऑफ बैग से, तो टोटल नंबर ऑफ बैग आ जाएंगे। क्लियर? अब देखते हैं सैंड, सैंड क्या है, वॉल्यूम है m³ में, सैंड की वॉल्यूम गुना करना है 6 से 6 की, आपके पास सैंड पार्ट 6 पार्ट है आपके पास सैंड के, तो जितने भी 6 पार्ट हुए दोनों गुना कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी
सैंड की, तो 1.368 की आपके पास सैंड की वॉल्यूम। आपके पास वॉल्यूम आ गई क्यूबिक मीटर में, कन्वर्ट करना क्यूबिक फीट में, दोनों गुना कर देंगे तो आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगी क्यूबिक फीट की। ठीक है, तो सिंपल, सबसे सिंपल मेथड है आपके पास इस तरह से निकालना। पहले आप वॉल्यूम निकालेंगे प्लास्टर की, फिर ड्राई वॉल्यूम निकालना है आपको, सिंपल गुना कर देना 1.333 से। इसमें आपका 3 3 क्या है, ये आपका वेस्टेज है एंड आपकी ये बल्क डेंसिटी है। अगर इसको कंपैक्ट करते हैं तो आपकी ये बैठ जाता है पानी के अंदर, तो वो बल्क डेंसिटी है। उसके बाद आपको निकालना है पार्ट में, अगर आपको पता है एक पार्ट की वॉल्यूम क्या है निकल कर आ गई, तो सम ऑफ पार्ट कितने हैं 7, तो 7 को आपने भाग किया तो टोटल वॉल्यूम आपकी सीमेंट की आ जाएगी एंड सैंड की। ठीक है, तो बेसिक्स पॉइंट है जो मैंने आपसे शेयर किए। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे।